बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में आपका स्वागत है। एक विचित्र मान्यता है, जी हाँ, मान्यता ये है कि यहाँ पर जो मणिकर्णिका घाट है, यानी जो शमशान घाट है यहाँ पे, जिसको हम महाशमशान घाट कहते हैं, वो शमशान घाट पर ये एक रिवाज है कि एक, आप कह सकते हो कि एक समय होता है जब एक पर्व मनाया जाता है और उस पर्व में नृत्य करती है, यानी यहाँ की जो नगर वधुएँ हैं, यानी जो सेक्स वर्कर्स हैं, वो यहाँ पर आकर शमशान घाट में बकायदा नृत्य करती है, नाच करती है। सोचिए आखिर ऐसी क्या वजह है जिसके वजह से ये एक मान्यता, एक रिवाज चली आ रही है। सोचने में आपको अजीबोगरीब लग रहा होगा कि जहाँ पे लोग दुखी रह रहे हैं, ऐसा शमशान घाट जहाँ पे लोग अपनी जीवन की आखिरी यात्रा तय करते हैं, जहाँ पे एक शरीर हमेशा हमेशा के लिए विश्राम में चला जाता है, आखिर वहाँ पे नाच गाना और एक खुशी क्या चीज़ के लिए मनाई जाती है। तो कहा जाता है, इसका एक बहुत पुराना इतिहास है, कहा यह जाता है, ये बात है अकबर के समय की, जब महाराजा मुगल शासक अकबर का राज हुआ करता था भारतवर्ष पे। तो उस दौरान राजा थे, आमेर के राजा थे, जिनका नाम था राजा मान सिंह। अब राजा मान सिंह जो थे, उन्होंने यहाँ पे एक त्यौहार शुरू किया शमशान घाट में। जी हाँ, वो त्यौहार था कि संगीतकार को बुलाने का, वहाँ पे संगीत सुनवाने का, लोक नृत्य करवाने का, क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों का मानना था कि काशी जो है एक ऐसी जगह है जहाँ इंसान को मोक्ष मिलता है, तो क्यों ना इस मोक्ष को हम एक त्यौहार की तरह मनाएं, क्योंकि ये महाशमशान घाट हमें मोक्ष दे रहा है, तो इसकी हम प्रार्थना करें, इसको हम एक उत्सव की तरह मनाएं। ये सोच के साथ उन्होंने यहाँ पे संगीत का निर्णय लिया कि यहाँ पे संगीतकार को बुलाया जाए, कलाकारों को बुलाया जाए और एक रंग मंच बनाया जाए। जी हाँ, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। कहा जाता है कि कोई भी संगीतकार कलाकार आने के लिए यहाँ तैयार नहीं हुआ। जी हाँ, उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया, क्योंकि साफ तौर की बात है कि शमशान में आने से कोई शमशान में क्यों आना चाहेगा, एक ऐसी जगह जहाँ पर लोग भयभीत या डर जाते हैं ऐसे दृश्यों को देखकर। तो उन कलाकारों ने इसको अशुभ मानते हुए इस चीज़ों को उन्होंने साफ तौर पे इनकार कर दिया। तब कहा जाता है कि वहाँ की जो नगर वधुएँ थीं, यानी जो सेक्स वर्कर्स थी, उन्होंने राजा मान सिंह के प्रस्ताव को मान लिया और उसको मान करके वो यहाँ पर उन्होंने आना शुरू कर दिया और यहाँ पर नाचना शुरू कर दिया। उस शमशान में, सोचिए, उस जलती चिताओं के बीच उन्होंने नृत्य करना शुरू कर दिया और कहा यह जाता है कि एक भावना के साथ, एक आस्था के साथ वो सेक्स वर्कर्स भगवान नटराज से, यानी महादेव से, ये मांग करती है, ये मानती है, ये मन्नत मांगती है कि हे भगवान, हे शिव, हमें अगले जन्म में ऐसा जीवन मत देना, ऐसा नर्क मत देना। इंसानों ने हमारे लिए एक नर्क खोद रखा है, इस नर्क से हमें अगले जन्म में मुक्ति दे देना शिव। इसी आस्था के साथ, इसी सोच के साथ वो महादेव के लिए नृत्य करती हैं, वो पूजा करती है, वो अपने, आप कह सकते हो कि अपने टैलेंट से उनकी प्रार्थना करती है। तो ये भी एक मान्यता है, ये कहानी है, यह कहानी एक काशी की।